जैसे कि मैं लड़का हूँ और आपको जो आवाज आ रही है वो बिल्कुल लड़की की तरह आवाज आ रही है, और यही नहीं इसके अलावा भी कई करेक्टर्स हैं, किसी बूढ़े आदमी की आवाज, जवान आदमी की आवाज, और बहुत सारी ऑप्शन है। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इस सॉफ्टवेयर को किसी भी किस्म के इलीगल पर्पस में यूज मत करें। तो सबसे पहले आपने voice.ai पे जाना है, वहाँ पे आपने सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है और ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर में इंस्टॉल होने से ये बहुत अच्छी तरह काम करेगा। ये आपने इसको यहाँ से फिनिश कर देना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर जैसे ही डाउनलोड होगा ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने जाके सिंपली साइन अप कर लेना अपने गूगल या जीमेल या किसी भी अकाउंट के ज़रिए और ये आपको कोड देगा। ये कोड आप एंटर कर देंगे और ये आपके सामने सॉफ्टवेयर इस तरह खुल जाएगा। अब ये नेक्स्ट के बटन के नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद द फ्री वर्जन, तो आपने फ्री पे क्लिक कर देना है और गेट स्टार्टेड करने के बाद आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब सिंपली आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप रिकॉर्ड मोड में चले जाएँ, यानी आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे वो सेव हो जाएगी और आप उसको सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या लाइव मोड में जाके आप इसको लाइव बोलते जाएंगे और ये स्काइप, व्हाट्सएप या जितने भी आप जूम देख रहे हैं इधर आपकी लाइव चेंज आवाज़ होती हुई आगे जाएगी। तो हम एक क्लिक टू रिकॉर्ड करके ज़रा इसको चेक करते हैं। AI की मदद से आप अपनी वॉइस को लड़के की आवाज़ से लड़की की आवाज़ में और लड़की की आवाज़ से लड़के की आवाज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के अफराद की तरह आप अपनी आवाज़ को बना सकते हैं। देखिए 15 सेकंड से ज़्यादा आप एक वक्त में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको पार्ट्स में करना पड़ेगा। ये 15 सेकंड के बाद ये वार्निंग देगा, तो हम दोबारा अब एक और वॉइस जो है रिकॉर्ड करके उसका रिजल्ट देखेंगे। AI की मदद से आप अपनी वॉइस को लड़के की आवाज़ से लड़की की आवाज़ में और लड़की की आवाज़ से लड़के की आवाज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के अफराद की तरह। voice.ai। अगर आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा चेंज करके और फिर रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी जो वॉइस है वो और मज़ीद चेंज हो जाएगी, उसकी टोन और एक डिफरेंट करेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ी सी आवाज़ चेंज करके देखें आप कैसा रिजल्ट आता है। अगर आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा चेंज करके और फिर रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी जो वॉइस है वो और मज़ीद चेंज हो जाएगी, उसकी टोन और एक डिफरेंट करेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। voice.ai। इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक सरकटा भूत अक्सर आधी रात के वक्त गांव की शहर को जाती बड़ी सड़क पर दिखाई देता और आने जाने वालों को नुकसान पहुंचाया करता था। अगर वो दिखाई ना भी दे तो रात भर गांव वाले इसकी रोने की आवाज़ सुनकर खौफज़दा होते थे। एक सरकटा भूत अक्सर आधी रात के वक्त गांव की शहर को जाती बड़ी सड़क पर दिखाई देता और आने जाने वालों को नुकसान पहुंचाया करता था। अगर वो दिखाई ना भी दे तो रात भर गांव वाले इसके रोने की आवाज़ सुनकर खौफ। देखिए ये जो बटन है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं करेक्टर के, आपने किस तरह का करेक्टर लेना है, आपने गर्ल टू बॉय आवाज़ चेंज करनी है, बॉय टू गर्ल करनी है, या किसी बूढ़े आदमी की, या कोई भी सेलिब्रिटी इसमें जो जितनी बिल्टन है, आप मज़ीद भी किसी सेलिब्रिटी की वॉइस ये प्लस के निशान के साथ डाल के ऐड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर उसको रीड कर लेगा और आप दोबारा जब आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल उसी तरह की हो जाएगी, लेकिन शायद इसके लिए आपको परचेज़ करना पड़े। लेकिन बग़ैर परचेज़ किए भी अगर आपकी आवाज़ लड़की से लड़का और लड़के से लड़की में कन्वर्ट हो रही है तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत यूज़फुल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने के लिए, अगर आप अपनी आवाज़ छुपाना चाहते हैं, या आप लड़की हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो लड़के की आवाज़ में हो, आपकी आवाज़ कहीं डिस्क्लोज ना हो, तो इस पर्पस के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल और अच्छा सॉफ्टवेयर है। मज़ीद AI टूल्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।